मुंबई इंडियंस ने आईपीएल सीजन के 12 के फाइनल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को एक रन से मात देकर चौथी बार आईपीएल की ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया है। साथ ही रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम के नाम एक बेहद खास कार्ड जुड़ गया है। दरअसल मुंबई इंडियंस आईपीएल के एक सीजन में किसी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली दूसरी टीम बन गई है। मौजूदा सीजन में मुंबई के फाइनल सहित चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ रिकॉर्ड 4 मैचों में जीत दर्ज की है, जो आईपीएल इतिहास में दूसरी बार हुआ है। वहीं आईपीएल इतिहास में 7वीं बार ऐसा हुआ जब एक सीजन में दो टीमें चौथी बार एक दूसरे से भिड़ी हैं। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस ने रविवार को फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स को आखिरी ओवर में बाजी पलट एक रन से हरा के आईपीएल के 12वें संस्करण का खिताब अपने नाम हासिल कर लिया। चेन्नई के गेंदबाजों ने मुंबई को 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 149 रन पर रोक दिया था, लेकिन सिन वाटसन के 80 रन के आउट होने के बाद बाजी पलट गई। आखिरी गेंद पर चेन्नई को जीत के लिए 2 रन चाहिए थे। लसित मलिंगा ने इसी गेंद पर शार्दुल ठाकुर को आउट कराकर मुंबई के खाते में चौथा आईपीएल का खिताब डाल दिया। वाटसन ने 49 गेंदों पर 8 चौके और 4 छक्के मारे। वाटसन को इस मैच में 3 जीवनदान भी मिले, लेकिन वह फिर भी चेन्नई को जीत नहीं दिला पाए। रिपोर्ट आर्या न्यूज।